नींद आ जाती है। अच्छा बात भी सही है, गंदी बातें करवा लो पूरी रात नींद नहीं आएगी, फोन से बात करो हेलो और जोर से बोलो, वहां से आवे अभी हमारी मम्मी आए। भैया बुरा ना मानना, आज नहीं तो कल पछताओगे, जितना तुम रील में समय गवा रहे हो कल तुम बिगड़ जाओगे। इसलिए भैया शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है, जो शिक्षा पढ़ेगा जो शिक्षा को लेगा वह कभी भिक्षा नहीं मांगेगा। तो हनुमान जी ने सूर्य भगवान को खाकर क्या उपदेश दिया, ज्ञान को पाने की भूख सदा होनी चाहिए, भक्त को पूर्ण करती है। जिस प्रकार सूर्य भगवान उजाला करते हैं उसी प्रकार भगवान का भक्त प्रभु की कथा को पाकर के प्रसन्न चित होता, उसी प्रकार शिक्षा पढ़ने वाला बालक खुद भी आनंदित होकर अपने समाज को आगे ले जाता है। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो। इसलिए हनुमान जी महाराज ने सूर्य को निगल लिया, और सूर्य को निगलने के कारण हनुमान जी को हुआ क्या, बोलो 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 बोलो। सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं, और जिसका सूर्य गुरु है भैया वो ज्ञानी नहीं होगा तो क्या होगा। हनुमान चालीसा में वर्णन आया, जय हनुमान ज्ञान गुण, जय कपीस तिहुँ लोक जय हनुमान ज्ञान गुण नामकरण संस्कार करवाया। मतंग मुनि ने नाम रखा हनुमान, क्या रखा, श्री हनुमान। हनुमान का मतलब क्या, जो अपने मान सम्मान अपमान को दूर रखकर अपने भगवान का सम्मान बढ़ाए उसी को कहते हैं हनुमान। बोलो जय सियाराम। ने हनुमान जी को वरदान दिया, क्या वरदान, सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट भए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, जाओ हम आशीर्वाद देते हैं इस बालक को, हमारे द्वारा बनाए हुआ कोई भी अस्त्र शस्त्र इसके शरीर पर नहीं चलेगा।